स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ आई सी एस सी बोर्ड इन फिजिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फोर्स फोर्स के बारे में हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था थोड़ा बहुत और फोर्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो आगे आने वाले चैप्टर में और अलेवेंथ में खास तौर पर जब मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल की मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो फोर्स का कॉम्प्रीहशन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है फोर्स हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया अपने डेली लाइफ में हम किसी को धक्का देते हैं किसी को गिरने से रोकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं अपनी बुक को उठाते हैं या अपनी बाइसाइकिल को हम लोग चलाते हैं ब्रेक सप्लाई करते हैं ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम फोर्स सप्लाई करते हैं तो फोर्स का, का काम क्या है फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग अ मोशन फॉर सस्टेनिंग अ स्टेट ऑफ अ बॉडी when i say state of a body then there are two types of a state of a body a body is either at rest or moving so if we define a force then we say it as force is an external agency external agent which can either change the state of a body or tends to change the state tends to change the state वेन एवर वी यूज स्टेट इन फिजिक्स नॉट इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री स्टेट इज इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज एज ऑफ टू टाइप्स आदर अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अन अ स्टेट ऑफ मोशन फोर्स का काम है किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाना वेरी सिंपल अगर चेंज ला भी सकती है और नहीं भी ला सकता है If we apply uh, some force on a wall, we are applying a force, but it is not going to change the state of that wall. That only creates a tendency to change the state of that wall. So, force is defined as an external agency which can either change the state of a body or tends to change the state. It may be of two types rest or motion. Now, the question is. For better understanding, I have written a question. Question is application of a force results in change in motion? Question mark. Is it true that if we apply a force, then it will change the motion? Answer is maybe or may not be. So what is what is the correction required here for this statement to be true? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज लाना चाहते हैं सो दैट फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी बाय पुलिंग द फ्रंट सीट of the car sitting inside the car cannot retard the motion of a car अगर हम गाड़ी चल रही है कार चल रही है और मान लो पीछे बैठे हुए हो पीछे वाले सीट पर और ड्राइवर की जो सीट है उसको अगर पीछे की तरफ खींचा जाए तो क्या उस कार के मोशन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा या हम अगर धक्का दें उस सीट को तो क्या उस कार की स्पीड बढ़ जाएगी वेलोसिटी लॉसिटी बढ़ेगी नहीं बिकॉज दैट फोर्सेज इंटरनल इंटरनल फोर्सेज कैन नेवर ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए तो यहां जो मैंने फोर्स लिखा है इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स लिखना चाहिए वेरी सिमिलर एग्जाम्पल इज दैट बाई पुलिंग और बेल्ट अपवर्ड्स कैन वी लिफ्ट आवर सेल्फ क्या अपने बेल्ट को अगर मैं ऊपर खींचूं अपने बेल्ट को तो क्या मैं अपने आप को उठा सकता हूं नो बिकॉज आवर पुलिंग फोर्स फॉर आवर बॉडी इज एन इंटरनल फोर्स So we cannot change the state of the body by applying an internal force. So first correction is required that force must be external. And the second is the force must have non-zero resultant force and net force na? The net force will should not be equal to zero. So there, there are two corrections. Suppose a car is moving and two external forces are acting. Suppose an object is placed, better uh, will be this example. Suppose this is a block that is kept on a smooth table, let us say, and if we apply a force in this direction of 5 Newton and the other force 5 Newton in the leftward direction. So now we have two forces F1 and F2, F1 and F2. So now there are two forces, but this these two forces cannot change the state of a body because we have forces, but we have no net force. So two corrections are required. If we want to change the state of a motion, then we require two conditions: the force must be external. So net external force, net external force is required to change the state of motion of a body so these are two corrections that needs to be understood properly uh, so that we can understand the few next topics now abhi yamara chapter has been motion kibat ki khe types ke motion ho sakte? तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है डेली लाइफ में कि मोशन कई टाइप से हो सकती है जैसे एक प्योर ट्रांसलेशन है दूसरा प्योर रोटेशन है और कंबाइंड मोशन है एग्जांपल मैं देता हूँ उसे आप इजली समझ जाओगे सपोज रॉड स्केप्ट एक रॉड है ना एक या कोई स्केल है जैसे स्केल को आ, किसी टेबल पर रख दिया जाए सपोज स्केल है और एक स्मूथ फ्रिक्शन टेबल पर इस स्केल को रख दिया जाए अगर ये स्केल यहाँ है और कुछ देर के बाद ये स्किल यहाँ पर आ जाती है फिर ये स्केल यहाँ पर आ जाती है तो इसको हम कहेंगे कि इस स्केल का मोशन प्योर ट्रांसलेशन है क्या है प्योर ट्रांसलेशन क्योंकि इसके सिर्फ स्थान में प्लेस का डिफरेंस है ना ट्रांसलेशन की हिंदी होती है स्थानांतरण स्थानांतरण स्थान में अंतर है इसके पोजिशन यहाँ यहाँ पर है और यहाँ पर आ गई यहाँ से यहाँ आ गई तो इसमें कोई ओरिएंटेशन में ये घूम नहीं गई है नहीं किसी टाइप से और मूव कर रही है सिर्फ ये अपने पोजीशन को चेंज कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन जैसी रखी हुई वैसे ही अगर आगे बढ़ रही है तो उसको हम प्योर ट्रांसलेशन कहेंगे तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्योर ट्रांसलेशन ऐसे प्योर रोटेशन क्या है अच्छा प्योर रोटेशन भी दो टाइप्स के होते हैं हालाँकि तुम्हारे सिलेबस में मैंशन नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्योर ट्रांसलेशन भी दो टाइप्स के होते हैं एक अबाउट अ फिक्सड एक्सेस अबाउट फिक्सड एक्सेस एंड द अदर इज अबाउट अ फिक्सड पॉइंट द अदर इज अबाउट अ फिक्सड पॉइंट इसमें क्या है कि जैसे ये मान लो एक रॉड है और ये रॉड इस पिवॉट के अराउंड घूम सकती है सपोज जैसे यहाँ पर ये ये मार्कर है और यहाँ पर एक इस टाइप से एक पिवोट हो इसके अबाउट ये रॉड इसको घुमाया जा सकता है आसानी से ऐसे घूम सकती है सो दिस एक्सिस ये जो एक्सिस है ना इसकी ये जो एक्सेस है ना दिस इज़ द एक्सेस ऑफ दिस रॉड और ये जो रॉड है ये इस ये फिक्स्ड एक्सेस है ये एक्सिस नहीं घूम रहा है और ये रॉड इसके अराउंड फिक्सड एक्सेस के अबाउट ये रॉड घूम रहा है सो दैट इज सीलिंग फैन का जैसे होता है सीलिंग फैन में जो ऊपर से रॉड होती है वो अगर फिक्सड हो वो ना हिले सो दिस इज़ अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्सड एक्सेस या हम जैसे ये एक पेन है और इसको यहाँ से इसके बहुत छोड़ दिया जाए ना तो ये हमारे इस यहाँ पर जो हिंज है जहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है इसके बहुत प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्सड एक्सिस है सो दिस इज़ मोशन प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस इसका एग्जाम्पल है ऐसे ही अबाउट अ पॉइंट का बेटर एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए टॉप मोशन ऑफ अ टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं ना लट्टू का जो मोशन होता है टॉप का जो मोशन होता है उसमें आपने देखा होगा कि वो जो लट्टू uh, है उसका जो एक्सिस है ना वो एक्सिस भी रिवॉल्व करता है ऐसे अगर आपने देखा होगा कि वो टॉप जो है वो टॉप तो अपने किसी एक्सिस के अबाउट घूमता ही है और जो एक्सिस है वो भी एक कॉनिकल अगर आप देखोगे तो उसका एक्सिस इस टाइप से ऐसे घूम रहा होता है लेकिन जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है जो सरफेस पर होता है ये फिक्स्ड होता है और ये उसका एक्सिस भी रोटेट करता है और उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन प्योर मोशन पोर प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज़ मोशन ऑफ ए टॉप लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है हमें अगर किसी भी प्योर रोटेशन की बात की जाएगी तो सिर्फ वो होगा अबाउट अ फिक्स एक्सिस यही वाला होगा सो दिस इज मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस प्योर रोटेशन अबाउट एक्सिस कंबाइंड मोशन में क्या होगा जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अगर मान लो किसी मोमेंट पर एक रॉड को यहां देखा गया और कुछ देर के बाद यह रॉड आगे कहीं चली गई और इस पोजिशन में आ गई फिर रॉड और आगे चली गई और इस पोजिशन में आ गई तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये रॉड घूम भी रही है अपने इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है और इसके अबाउट ऐसे घूम रही है और इसके अबाउट ऐसे घूम रही है और जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है वो पॉइंट आगे भी डिस्प्लेस कर रहा है सो दिस इज अ कम्बाउंड कम्बाइंड मोशन मीन्स इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एज एज़ वेल एज प्योर रोटेशन तो ये भी अभी अपने सिलेबस में नहीं लेकिन हमें जान लेना ज़रूरी है कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं हेलो नेक्स्ट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम पूरी जो कहानी है जो दो तीन पेजेस चार पाँच पेजेस में आपके दिया गया है उसको सिंपल एक एग्जाम्पल एक से हम समझ सकते हैं मैंने इसमें क्या किया है एग्जाम्पल में आपको ध्यान से देखना है कि एक रॉड है दिस इज अ रॉड और इस रॉड को हमने क्या किया है कि ये रॉड एक किसी एक हिंज के अबाउट इसको फिक्स कर दिया गया है ये एक रोड हिंज है पिवोट है जिसके अबाउट ये रॉड मूव कर सकती है है ना इसको यहाँ से नेल लगा दिया जाए कील लगा दिया जाए रॉड ऐसे घूम सकती है इस पॉइंट के अबाउट ये एक फिक्स्ड एक्सिस है ना इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस इसको पिवोट भी कहते हैं ना इसको एक नाम है पिवोट इसका एक नाम और भी है हिंज ना और द हिंज तो ऐसा कुछ भी लिखा होगा आपके बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में या कहीं भी तो हिंज हो या हो या फिक्स्ड एक्सिस हो उसके बाद रॉड घूम सकती है तो ये रॉड अगर घूम सकती है इसको इधर घूम सकती है ना एरो गलत लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे घूम सकती है इसको मैं फोर्सेज जो लगा रहा हूँ अब आपको ये बताना है कि एक ही फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसका डायरेक्शन मैंने चेंज किया है आपको इसमें यह बताना है कि ये रॉड सबसे आसानी से ईजीएसट वे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिफरेंट तरीके से हमने फोर्स को अप्लाई किया है तो इसमें से किस तरीके से सबसे आसानी से घूम सकती है यहाँ पर आप देखना शुरू करो कि जैसे फर्स्ट केस में ये जो फोर्स है ना ये फोर्स इस रॉड के लाइन में ही अप्लाई किया गया है ऐसे अप्लाई किया गया है तो क्या ये फोर्स इस रॉड को घुमा सकता है ऑब्वियसली ये घुमा नहीं पाएगा अगर ऐसे ही इसको इधर खींचा जाए इस डायरेक्शन में खींचा जाए इस डायरेक्शन में खींचा जाए तो भले ही हिंज ये टूट सकता है पे से निकल सकता है लेकिन ये फोर्स दिस फोर्स इज नॉट कैपेबल टू मेक इट रोटेट अबाउट दिस एक्सेस ऐसे ये जो फोर्स जिसको मैंने टू लिखा है अगर टू ये सेकेंड वाला फोर्स यही फोर्स में हिंज पर लगा दूँ तो भी ये रॉड रोटेट नहीं होगी ये थर्ड फोर्स अब मैं ये अगर थर्ड फोर्स यहां पर अप्लाई करूंगा तो रॉड रोटेट होगी कि नहीं यस द रॉड विल रोटेट फोर्थ में रॉड विल श्योरली रोटेट फिफ्थ में रॉड विल रोटेट सिक्स्थ में रॉड विल रोटेट सो इन केस ऑफ दिस फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस द रॉड विल नॉट रोटेट इससे क्या समझ सकते हैं इससे हम ये समझ सक, सकते हैं कि जब भी फोर्स की लाइन हिंज से पास करेगी वेन एवर लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवोट और द एक्सिस और द हिंज इट विल नॉट हैव एनी टर्निंग इफेक्ट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि इफ इसमें लिख सकते हैं कि इफ अ फोर्स पासिस थ्रू पासिस थ्रू द हिंज इट हैज इट विल हैव नो टर्निंग इफेक्ट इट हैज नो टर्निंग इफेक्ट ये घुमा नहीं सकती पहली अंडरस्टैंडिंग सेकेंड इसमें क्या है भी कि अब बाकी बचे जो चार केसेस बच रहे हैं जिसमें थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ और सिक्सथ है इसमें से किस वाले पार्ट में किस पार्ट में सबसे आसान तरीके से हम इस रॉड को घुमा सकते हैं तो जैसे जो मुझे लगता है कि जो फोर्थ वाला तरीका है ना ये सबसे आसानी से इस रॉड को घुमा सकता है ना ये वाला और इन चारों में एफ फोर थर्ड वाले केस में और सबसे कम सबसे डिफ़िकल्ट तरीके से अगर घुमाना है तो मोस्ट डिफ़िकल्ट तरीका ये होगा ये सबसे डिफ़िकल्ट होगा ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है डिफ़िकल्ट होगा डिफ़िकल्ट होगा इसको घुमाना और ये जो तरीका है ये सबसे सिंपलेस्ट या सबसे ईजीएस्ट वे होगा ईजीएस्ट वे होगा इस रॉड को घुमाने में तो हमने क्या यहाँ से कंक्लूज़न क्या ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूज़न हम लोग ये ड्रा कर सकते हैं कि जब भी कोई फोर्स इसमें ऐसा क्या है इस फोर्स में ऐसा क्या है जिससे हम इस रॉड को सबसे आसानी से घुमा घुमा पा रहे हैं इसमें ये है ये जो फोर्स है ना ये फोर्स और ये जो हिंच और इस फोर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है ना ये इसके परपेंडिकुलर है तो सबसे आसानी से द टर्निंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट विल बी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन व्हेन फर्स्ट कंडीशन फोर्स इज लार्ज बाई फोर्स तो होना ही चाहिए दूसरा इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द हिंज एंड the point of application of force, point of application of force, application of force. तो यही कंक्लूजन है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अगर हम चाहते हैं कि कोई भी फोर्स बहुत आसानी से किसी रॉड को किसी बॉडी को घुमा पाए तो वो फोर्स की जो लाइन होनी चाहिए उस लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए है ना अब इसके टर्निंग इफेक्ट को हम मेजर कैसे करते हैं तो टर्निंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स सिंपली ये होता क्या भाई बहुत आसान है फोर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स को गुड़ा कर देना है मल्टीप्लाई करना है perpendicular distance perpendicular distance between the line of action the line of force line of force and the line of force and the reference point and the axis जो एक्सिस है उस एक्सिस और जो लाइन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है तो इसको हम टॉर्क भी कहेंगे आगे चल करके इसको हम लोग टॉर्क भी कहेंगे तो मुझे लगता है कि इस पूरे तीन चार पेजेस में बारी बारी से बार बार रिपीट करके आई के जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ो पढ़ोगे उसमें बारी बारी से इसी को बस मेंशन किया गया है फोर्स को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पहले वाले केस में फोर्स था लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है देखो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है अगर फोर्स की लाइन को देखा जाए कोई आपसे पूछे कि भाई इस हिंच इस पॉइंट और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है तो ज़ीरो है ऐसे ही सेकंड केस में अगर पूछा जाए कि इस लाइन और हिंच के बीच में फोर्स कितना है डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर तो ज़ीरो है इस वाले केस में देखो इस थर्ड वाले केस में अगर हम देखें तो थर्ड वाले केस में जो लाइन है इसकी जो फोर्स की लाइन है इस फोर्स की लाइन और हिंज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना सो दिस इज़ द डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कम है जो फोर्थ वाले केस में सो दिस इज़ लेस देन दैट इन केस दैट एज इन द केस ऑफ फोर सो ये भी एक कम है इसलिए उतना इफेक्टिवली इसको घुमा नहीं पाएगा तो सिंपली हमें जो टॉर्क यूज़ करना है और याद रखना है जिसके ऊपर न्यूमरिकल्स हमें करने हैं सिर्फ़ एक काम करना है जब भी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने को कोई पूछता है तो आपको सिर्फ दो चीज़ों गुड़ा करना है किसको फोर्स जो भी अप्लाई किया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे जो फोर्स की लाइन है उसको और जो एक्सिस है उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है दैट्स ऑल यही कई बार रिपीट किया गया है आपके सिलेबस में थैंक यू